गाइस दिस इज मी वाहिद नवाब मीर आज हम जी का एक टॉपिक करेंगे जो कि पॉलिटी से रिलेटेड है दैट्स इज प्रेम्बल प्रेम्बल ऑफ अवर कंस्टिट्यूशन प्रियम्बल होता क्या है वॉट इज इट प्रियम्बल को हम बोल सकते हैं इट्स लाइक इंट्रोडक्शन या हम कह सकते हैं इट्स लाइक सामरी ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशन या कह सकते हैं इट्स अवर इट्स लाइक जिस्ट किसका जिस्ट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का फॉर एग्जाम्पल गाइज जब हम कोई बुक खरीदते हैं ना तो उसके फ्रंट पेज पे जो होता है वो इंट्रोडक्शन होता है मतलब इस बुक में क्या लिखा है एक थीम दिया हुआ होता है उसको हम मतलब वही थीम उस थीम को उस इंट्रोडक्शन को उस समरी को उस जिस्ट को हम प्रियम्बल कहते हैं ओके okay? गया आपको जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने तब जो ये प्रीएम्बल का ये फीचर है वो हमने कहाँ से लिया सबसे पहली कंट्री जो थी जिसने जिसका कॉन्स्टिट्यूशन दैट बिगेन फ्रॉम प्रीएम्बल दैट वाज यूएसए फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन टू बिगिन विद प्रियम्बल अब गते हैं प्रियम्बल की बेसिस क्या थी है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में जो कॉन्स्टिट्यूशन असम्बली में इसकी बेसिस किसने डाली इट वॉज बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो कि किसने लाया था पंडित नेहरू ने 1946 में कॉन्श असेम्बली में डाला था और इट वाज एन एन इसको पास किया गया बिल कॉन्स असेम्बली में दैट वाज द बेस ऑफ द प्रेम्बल ऑफ फॉर प्रेम्बल सबसे पहली बात प्रियम है क्या इसमें क्या लिखा है मैं आपके सामने पढ़ लेता हूं पहले हमारा जो प्रेम है उसमें लिखा क्या है ऑफ तो इंडिया जो का प्रेम है वो क्या है उसमें लिखा है पीपल ऑफ इंडिया हैव सॉमली टू कंस्टिट्यूट इंडिया इन टीन सोशलिस्ट सिक्यूलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक and to secure to all its citizens justice social economical and political liberty of thought expression belief faith and worship equality of status and of opportunity and to promote among them all fraternity assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation in our constituent assembly this 26th day of november 1949 do hereby adopt, enact and give ourselves this constitution. This is about the preamble. जो हमें इसमें keywords हैं जो मैंने अभी पढ़ा, अब उनको हम describe करेंगे। हमने कब हमारे कन्वेंशन कब adopt किया था? Preamble, it was adopted on 26 November 1949. प्रीएम्बल में दिस इज द डेट लिखी हुई है जब हमने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट इन किया था जब हमने कॉन्स्टिट्यूशन को तस्लीम किया था दिस इज द डेट रिटर्न इन द प्रीएम्बल ओके अब बात करते हैं प्रीएम्बल में है क्या वॉट आर द इनग्रीडेंट्स इन दयाम्बल इसके इनग्रीडियंट जो हैं वो हैं सोर्स ऑफ अथॉरिटी सोर्स ऑफ अथॉरिटी के बारे में बताता है सोर्स ऑफ अथॉरिटी क्या है पीपल क्या हम पढ़ते हैं प्रीएम्बल में वो ही पीपल ऑफ इंडिया जो कॉन्स्टिट्यूशन है वह अपनी अथॉरिटी कौन से डिराइव करता है पीपल ऑफ इंडिया से और क्या बताता है नेचर ऑफ इंडियन स्टेट हमारी तो स्टेट है उसका नेचर क्या है आई मीट से सोवरीन सोशलिस्ट है सिक्युलर है हम डेमोक्रेटिक है हम रिपब्लिक है ये ये जो सारे की वर्ड है ये जो ये प्रियम्बल बताता है अब हम इन कीवर्ड्स जो हैं हमारे की जो है दैट आर की वर्ड्स ऑफ पीएम्बल इनको डिस्कस कर लेते हैं वट आर दे सबसे पहला कीवर्ड जो है हम डिस्कस करेंगे दैट इज सी इसका मतलब क्या है इसका मतलब है वी आर इंडिपेंडेंट स्टेट ना कि हम किसी पर डिपेंडेंट हैं नॉट डिपेंडेंट नॉ ना, ना कि हम किसी के अंडर हैं वी आर फ्री टेक ऑल द डिसजन्स इन आवर कंट्री दैट मीन्स सॉरी उसके बाद हम डिस्कस करेंगे अनदर वर्ल्ड इन आवर पेम्बल दैट इज़ सिक्युलर सिक्यूलर इट टेल्स अबाउट

एंड इंडिया कुछ स्टेट्स होती है देर आर डिफरेंट स्टेट लाइक एथी स्टेट जो कि किसी रिलीजन को फॉलो नहीं करती है लाइक like चाइना ऐसे आती है सिकुलर स्टेट और एक की वर्ड विल डिफाइन दैट्स अबाउट डेमोक्रेटिक जो कि हमारे प्रियमिल में ये बताता है हमारे जो लोग हैं उनके पास सुप्रीम पावर है कौन सी पावर है वोट की पावर है वोट से क्या कर सकते हैं वी इलेक्ट आवर रिप्रेजेंटेटिव नेक्स्ट दैट इज पब्लिक में एक एक आपके सामने डिस्कस कर रहा हूं रिपब्लिक रिपब्लिक का मतलब क्या है रिपब्लिक का मतलब है हमारी जो कंट्री है दैट्स इंडिया वी हैव इलेक्टेड हेड जो कि टाइम बाउंड के लिए इलेक्ट किया जाता है पांच साल के लिए कौन है दैट इलेक्टेड हेड इज प्रेसिडेंट। अंदर वर्ड दैट इज जस्टिस ये कहाँ से हमने लिया है रशियन रेवोल्यूशन से हमारे फोन फादर्स ने लिया है जस्टिस कौन कौन सा है अवेलेबल हमारे पास सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल पॉलिटिकल मीन्स कोई भी सिटीजन जो है कंट्री का वो किसी भी पोस्ट पे कायम हो सकता है ही इज एलिजिबल लाइक जो सॉरी विद इकोनॉमिकल सोशल उसके बाद अनदर वर्ड दैट इज इक्वालिटी कौन कौन सी इक्वालिटी मिलती है सिविक पॉलिटिकल नॉमिकल इक्वलिटी ये कहाँ से हमने लिया है फ्रेंच रेवोल्यूशन से फ्रेंच से फ्रांस से फ्रेटर्निटी जिसका मतलब है ब्रदरहुड मतलब हमारी यूनाइटी इंटीग्रिटी में है अगर हम डिवाइड होंगे तो हमारी यूनिटी नहीं रहेगी ओके okay? और डिग्निटी मतलब हर एक इज्जत का हकदार है दैट इज डिग्निटी अब हम बात करेंगे दैट इज सिग्निफिकेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सिग्निफिकेंस क्या है इसकी इट कंटेन्स विजन कंटेन करता है किसका कंस्टिटेंट असम्बली का इट रिफ्लेक्ट्स ड्रीम्स और एस्पिरेशंस क्या थी हमारी फाउंडिंग फादर्स की इसको सोल ऑफ कंस्टिट्यूशन भी कहा जाता है एक चीज मैं आपको बोल गया बोलना जो ये वर्ड्स कुछ वर्ड जो है वो हमारे कनस में ऐड किए गए थे अमेंडमेंट से दैट इज स्क्यूलर सोशलिस्ट और इंटीग्रिटी तीन वर्ड्स जो अमेंडमेंट से आए थे थ्री वर्ड्स ऐड किए थे अभी तक एक ही बार अमेंडमेंट हुआ है दैट दैट वाज ऑन एक्ट 1976 थ्री वर्ड्स ऐड हुए कौन कौन से सोशलिस्ट सेक्युलर इंटीग्रिटी ये तीन वर्ड इस अमेंडमेंट से ऐड हुए थे इससे पहले भी हमारे में थे बट प्रीएम्बल में नहीं थे सेक्युलर लाइक इन फंडामेंटल राइट सोशलिस्ट इन डी में देखा जाता है अब हम uh, एक ट्रिक मैं बोलूँगा आपको याद रखने के लिए फोर्टी सेकेंड एम्बर को इसकी डेट को फोर्टी सेकेंड एमेंड फोर ओ टू गई सिक्स डेट इज सिक्स दैट्स ए ट्रिक नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे इसकी अमेंडेबिलिटी प्रियम्बल को अमेंड कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं और हम इसके बारे में बात करें इस प्रियम्बल जस्ट सेबल और कुछ वर्डिक्ट के बारे में हम बात करेंगे जो कि प्रियम्बल के रिलेटेड है थैंक यू